ये बिरेन कुमार बिंद जी बैठे हैं हमारे बिंद समाज के घर में, अमित शाह जी खाना खाते हैं और पूरा प्रचारित करते हैं। यादव जी ने आपको बनाने का काम किया, आज उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। बताएं कहां कैबिनेट मंत्री है आपका, कहां आपका बीएसएफ। आज हमारे लोग किसान भाई लोग परेशान हैं, अन्न हजारों से परेशान हैं, महंगाई से परेशान। उन्हीं लोगों ने सारे विरोध में वोट देकर के हमारे जो आरक्षण के बिल को गिराने का काम किया। चाहे मेरे निषाद समाज के कच्छप समाज के लोगों, डीजल पेट्रोल महंगा, अब गैस भी हो गए महंगे। प्रजापति राज समाज को हम लोगों ने परिभाषित करने का मामला अनुसूचित जाति में तो कहना है सरकार। बढ़ती महंगाई को लेकर के हम ये कहेंगे कि बीजेपी जो सरकार जो इनकी क्रियाकलाप है वो इनकी बदनीति के साथ है। बदनीति कैसी है, ये प्राइवेट सेक्टर में सारी चीज़ों को दे करके और उनसे बिचलने का काम कर रही है, जो कि बोझ गरीब तबके से लगा करके सभी तबकों को आ रहा है। ये लोग देश को बेच करके भाई भाई में आपस में झगड़ा करा करके ये लोग, इनकी नियत केवल राज्य करने की है। जबकि 2022 में चुनाव होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग जन जन को जगाने का काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय यात्रा के प्रति जो मिल रहे हैं, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों की दुश्मन है। आज अगर नौकरियों में देख रहे हैं, सारी की सारा आरक्षणों का खत्म हो रहा है, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो। अगर हम केंद्र में, चूँकि हम राज्यसभा के सांसद हैं, केंद्र के अगर देखते हैं तो 40 विश्वविद्यालय में कोई भी पिछड़े वर्ग का एक भी कुलपति नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। मात्र 4% कोटा केंद्रीय नौकरियों पूरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी केवल पिछड़े वर्ग को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने का काम करती है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल 100 पार कर गया, गैस के दाम 1000 पार कर गए, और हर तरह से चाहे खाद के बीज के दामों, महंगाई चरम सीमा पे है। किसान हर तरह से परेशान है और सबसे बड़ी समस्या